एवरीवन, मैं हूँ चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। बिकॉज आपको पता है, आज जो मैं आपके साथ ऑयल शेयर कर रही हूँ ना, शायद ही आपने सुना होगा या कभी लाइफ में आई थिंक आपने यूज़ नहीं किया होगा। और जब आप इसे यूज़ करेंगे, इसके रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट होंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। क्योंकि मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है सौंफ का तेल। जी हाँ, जिसे बोलते हैं एनिसिड ऑयल। ये ऑयल बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनने वाला है। बिकॉज सौंफ अभी तक आप लोग खाते आए हो, है ना। हम लोग जैसे ही खाना खाते हैं, माउथ फ्रेशनर के हिसाब से हम लोग सौंफ लेकर खा लेते हैं। हमारे मुंह से कितनी अच्छी खुशबू आती रहती है सौंफ की, है ना। बच्चे, हम सब बड़े, सबको सौंफ तो बहुत ही पसंद है। लेकिन आपने कभी इसका ऑयल यूज़ नहीं किया है। आप इसका जब ऑयल यूज़ करेंगे ना अपने बालों पर, तो आप लोग खुद देखोगे इतना अमेजिंग वर्क करता है। अभी मैं आगे इसके फ़ायदे बताऊँगी। पहले एक बार हम लोग इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, गैस पे रख देते हैं। जैसे जैसे ये बनेगा, उसके साथ ही साथ मैं आपको इसके फायदे बता दूंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको बनाने के लिए एक बर्तन ले लीजिए, जो भी बर्तन है। मेरा ये पुराना बर्तन है, मैंने चमचमाता बर्तन नहीं लिया है क्योंकि मैं तेल बना रही हूँ इसलिए, ठीक है। तो आप भी कोई अपना पुराना बर्तन ही ले लेना, लोहे का हो तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये ले लीजिए नॉर्मल। तो यहाँ पर मैंने बर्तन रख दिया है और मैंने इसमें जो है वो फर्स्ट कोकोनट ऑयल डाला है पैराशूट का। आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल है वो ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आधा कप डाला है, ठीक है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को भी आपको आधा कप लेना, दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है ऑयल की, ठीक है। आप चाहे तो सिंगल ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो सिर्फ ऑलिव ऑयल में भी बना लीजिए, आप चाहे तो सिर्फ कोकोनट ऑयल में, ओके। और मस्टर्ड ऑयल का गाइज मैं नहीं कन्फर्म बोल सकती कि आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, बस मैं इन दो का आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने इसी में इसको यूज़ किया हुआ है। पहले एक बार मैंने इसको कोकोनट में बनाया था, एक बार मैंने इसको ऑलिव ऑयल में बनाया, और अभी जो थर्ड टाइम मैं इसको बना रही हूँ ना, ये दोनों को मैंने सोचा मिक्स करके बनाती हूँ, मैं देखती हूँ इसका रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने इनको मिक्स कर लाया। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑयल में बना लीजिएगा। तो चलिए, अब हमने दोनों को मिक्स कर लिया और अब फ्लेम मैंने इसको ऑन किया है, मतलब गैस को ऑन अप किया मैंने इसको तेल को मिक्स करने के बाद में, यानी बहुत ही कम ऑयल गर्म हुआ है। और अब आपको क्या करनी है, सौंफ के 2 चम्मच भर के डाल देने हैं। 2 चम्मच डालो या फिर आप कप में अगर नापते हो तो आधा कप आप सौंफ के डाल दीजिए। तीनों की क्वांटिटी सेम रखी है हमने ऑयल की, ठीक है। ऑलिव ऑयल आधा कप, कोकोनट ऑयल आधा कप एंड सौंफ आधा कप, ठीक है। ये सिम क्वांटिटी रख के और आपको डालनी है। और अगर आप सिंगल एक ही ऑयल लेंगे तो फिर एक कप भर के और वो पूरा ऑयल ले लेना, ठीक है। अब समझ आ चुका होगा। अब हम इसको बहुत ही धीमी आंच, सबसे स्लो जो आपकी है ना आंच उसमें आ रही है गैस में, वो आपको रखना है चूल्हे पर, ठीक है। तो सबसे स्लो वाली पर रख के और इसको बस कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। इसका कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये ऑयल बनकर तैयार हो जाएगा। इतना ईजी, इतना क्विकली एंड इतने सारे गुडनेस के साथ हमें ये रिजल्ट भी बहुत ही ऑसम देने वाला है। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ आखिर सौंफ में ऐसा क्या है जो इसका हम तेल बनाकर लगाएंगे तो हमारे बालों की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ, सौंफ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है और फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, जिससे आपके जो बाल है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जो बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना रुक जाएंगे और आपकी स्कैल्प पे किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि एक्ने निकल जाते हैं ना गर्मियों में, तो उसकी वजह से आपके ये सारी समस्याएं जो मैं बता रही हूँ ये दूर हो जाएगी। क्योंकि सौंफ की तासीर होती ना वो ठंडी होती है। तो अभी ये ऑयल मैंने इसलिए शेयर कर दिया क्योंकि कुछ टाइम बाद में हम इस ऑयल को नहीं बना पाएंगे। जैसे ही सर्दियाँ आ जाएगी तो फिर हम इसे नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और हम फिर अपने सिर पर ठंडा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैंने अभी शेयर कर दिया। आप इसे 1 महीना आराम से यूज़ कर सकते हो। अभी बिल्कुल भी सर्दी है, कुछ नहीं है, अभी तो और गर्मी हो गई 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग इसे आराम से यूज़ कर लेना। एंड इसके अलावा ये और क्या करता है, इसके अलावा आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है एंड आपके बालों में एक नेचुरल चमक लेकर आता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है। एंड गाइस, आपकी स्कैल्प के अंदर है ना क्लीन करता है, मतलब स्कैल्प आपकी कितनी भी डर्ट हो रखी है ना, जमा हो गया डर्ट वगैरह, उसको साफ करके एकदम क्लीन करता है। और आपके स्कैल्प से जो ऑयल अंदर की साइड में जाएगा तो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं उन्हें मजबूत करेगा। और जब हेयर फॉलिकल्स मजबूत हो जाएंगे तो आपका जो बाल बाहर की ओर आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। जब हेयर फॉलिकल्स से आप
आपका बाहर की ओर बाल आता है और वो उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, देन वो डैमेज हो जाता है और टूट के गिर जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपनी स्कैल्प को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड स्कैल्प आपकी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी इसको यूज़ करने के बाद में। एंड ये धीरे धीरे आपके बालों को काला भी करेगा, लंबा भी करेगा, घना करेगा, मुलायम बनाएगा और बहुत ज़्यादा चमक लाकर देगा। अगर आपकी स्कैल्प में किसी तरह का बैक्टीरिया आ गया ना तो वो भी चला जाएगा, आपकी स्कैल्प गंदी है वो भी क्लीन हो जाएगी। मतलब सौंफ की एक इतनी सी सौंफ में देखो कितने सारे फ़ायदे हैं, भर भर के फ़ायदे हैं। इसको ज़रूर यूज़ कर लेना गाइस, ऑसम रिजल्ट मिलेगा अगर आप यूज़ करेंगे तो। और इसके अलावा पता है इसमें और विटामिन सी भी होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जो आपके पोर्स को न्यूट्रिशन देता है एंड आपके बालों में एक मजबूती लेकर आता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जब बाल हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वो इजीली झड़ते नहीं हैं, ठीक है। वो पूरा बाल आपका पोर्स से लेकर और लेंथ तक पूरा बाल लंबा रहेगा, वो बीच में से डैमेज नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एंड साथ ही साथ आपके पतले जो बाल है ना उसको भी थिक करने का काम करेगा। एंड आपको जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब कि आपके बालों को जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो सारा न्यूट्रिशन ये सौंफ अकेला दे देगा। एंड गाइस जब आप ये सौंफ लेने जाएंगे ना बाज़ार में तो आपको दो तरह की सौंफ मिलेगी, एक मोटी और एक बारीक। तो आप मोटी वाली लेकर आइए, मोटी वाली जो सौंफ होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और अगर वो नहीं मिलती है तो फिर आप छोटी वाली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ आया। एंड आपके बाल तो कंटिन्यू झड़ रहे हैं लेकिन अगर आपके बाल वापस से ग्रोथ नहीं हो रही है, रीग्रोथ नहीं हो रही है, तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अगर आपका बाल झड़ता है गाइस तो आप टेंशन मत लो, लेकिन वो वापस उग रहा है बाल, अगर वहाँ पर ही वापस बाल आ रहा है, इट मीन्स कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर बाल उग नहीं रहा है, बाल नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है, ठीक है। तो ये क्यों होता है कि जो फ्री रेडिकल्स है ना उसकी वजह से बालों की जो जड़ें हैं ना, रूट्स, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है। एंड उसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो बढ़ना बंद कर देते हैं, वो रोग ग्रोथ है ना वो वहीं पर रुक जाती है। तो ये उसको भी वापस से रिकवर करेगा और रिपेयर करेगा। तो हमारा ऑयल बनकर रेडी हो गया है, मैंने सारे फ़ायदे आपको बता दिए हैं। आपको स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर लेना है और आप देख रहे हैं सौंफ का कलर ऐसा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे 5 मिनट तक कुक करेंगे ना, तो ये ऑयल का जो कलर है ये वाला हो जाएगा। ओके, इसको आप अच्छे से स्ट्रेनर से छान लीजिए, निकाल लीजिए बाहर, और ये हमारा ऑयल रेडी हो गया है, सौंफ का ऑयल। बस इसमें हमें कुछ भी चीज़ नहीं मिलानी है, हम इसे प्योर फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ सौंफ के ऑयल को। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप इसे 15 दिन यूज़ करना, जो ये मैंने बनाया ना ये मेरा आराम से 15 डेज चल जाएगा। आप अभी देखना, मैंने इसको एम्प्टी बॉटल में फ़िल किया है एंड पूरा आराम से 15 डेज। और जो मैंने एग ऑयल बनाया था वो मेरा ख़त्म हो चुका है, उसके बाद सोयाबीन का ऑयल बनाया था वो मेरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने और सिस्टर ने दोनों ने यूज़ किया था। एग ऑयल मैंने अकेले ने यूज़ किया था, ठीक है, इससे पहले जब बनाया था तब सिस्टर ने भी यूज़ किया था, हाँ। और अभी जो मैंने सोयाबीन का जो बनाया था ना आपके साथ प्रोटीन शेयर किया, वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है गाइज, उनको यूज़ कर लो आप। मेरा हेयरफॉल, टच वुड, मेरा हेयरफॉल अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, टच वुड। तो आप लोग इसको ऑयल को बना लो जल्दी से और अपना लगाना स्टार्ट कर दो। एंड अभी ये थर्ड मेरा ऑयल ये वाला बन चुका है, तो ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि मैं इसको पहले यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए। तो आप लोग बनाइए और हर ऑयल आप बनाओ 15-15 दिन यूज़ कर लो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और आप चाहते हो कि नहीं हम लॉन्ग टाइम करें तो फिर एक एक महीने का बनाकर रख लेना। और ये सारे फ़ायदे मैंने बता दिए हैं, अब आपको जैसे ऑयलिंग करनी है वो आप प्लानर देख लेना, वीकली हेयर ग्रोथ प्लानर मैंने शेयर किया है, बस वही फॉलो करना है और वीक में 2 बार लगाना है, बस उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लाइक दे देना आप लोग प्लीज़। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसे मत जाइएगा, ठीक है। हमारे घर पर जब कोई मेहमान आता है तो वो खा पी कर जाता है, हम उसे ऐसे तो नहीं भेजते हैं ना। तो गाइस आप लोग भी सारे मेरी फैमिली मेम्बर हो, तो आप लोग प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे मत जाना, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए और सारी मेरी रेमेडीज़ सबके साथ शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ सबको शेयर कर दीजिए, अपने इंस्टा आईडी सब जगह शेयर कर देना। बाय।